मसूरी वन प्रभाग के अंतर्गत विगत दिनों गुलदार के हमलों के बाद मसूरी वन प्रभाग ने दो टीमें क्षेत्र में रवाना की। इससे पूर्व डीएफओ वैभव कुमार ने वन कर्मियों को जरूरी जानकारी दी। दो सप्ताह से मसूरी वन प्रभाग रेंज में गुलदार की दस्तक से क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल है। वहीं गुलदार द्वारा एक 5 वर्षीय बालक को अपना निवाला बना दिया गया था, साथ ही एक युवक पर भी हमला किया, जिसके बाद वन विभाग की टीम में क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। नव भारत समाचार से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। बाकी तो रेस्ट वगैरह जा रहे हैं, अभी लोग बताएंगे आज क्या कहाँ जा रहे हैं। गाड़ी खुली है जी। आप लोग जाएंगे एक जगह है डांडा लाख, वहाँ पे 15 तारीख को जो है लेपर्ड देखा गया था रात को। उसके बाद हम लोगों ने फिर तो हम लोगों को ये डाउट है कि इस जगह को लेपर्ड जो है इस्तेमाल कर रहा है, लेपर्ड की प्रेजेंस भी हो सकती है, तो आपको सभी संभावनाओं को दिमाग में रखते हुए जाना है। इसमें हम लोग ऐसा करेंगे, आप ना 2 या 3 टीम या तो मौके पे जाके बना देंगे 2 या 3 टीम में, और आप लोगों को पूरे एरिया की रेकी करनी है और बिल्कुल माइन्यूटली एक एक डिटेल्स को ऑब्जर्व करते हुए चलना है। जिस सभी लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स होंगे अपने अपने, अगर किसी को कोई पगमार्क वहाँ दिख जाता है तो आप लोग तुरंत जो है जो आपका टीम लीडर है उसको कोई स्क्रैच है, स्कैट सैंपल भी अगर आपको मिलता है लगता है कोई या जानवर की कुर्ती है लगाए थे आज और निकाल दिया। अभी चेक किया कैमरा, हाँ कोई मूवमेंट आया नहीं। तो ये एक्सरसाइज करनी है हम लोगों को, बाकी हमारे वेटरनरी ऑफिसर जो हैं अपनी सुरक्षा भी देखनी है, अपनी सुरक्षा भी देखनी है आप लोगों को। सभी लोगों के पास झंडे हैं, झंडे सभी पे हैं, हाँ। तो 2 या 3 ग्रुप में हम लोग जैसा भी होगा साइड में आपको जो सब आपको डिवाइड कर देंगे, और धीरे साहब को या फिर जो अजू साहब हैं या मैडम है वो अब हम लोग यहाँ से गाड़ियाँ कुछ लोग अपनी गाड़ी से भी जाएंगे, टीम यही बना देते हैं ना, क्योंकि ताकि वहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो। वो मेरे ख्याल से